आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। बिहार की हवा बदल रही है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, इसीलिए इस बार मैदान में कुछ नए प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं जो जनता का मन मोहने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि भागलपुर जिले से नगर पंचायत अकबर नगर में इस बार किरण देवी भी मैदान में उतरी है। उन्होंने 14 सितंबर को अपना नामांकन दर्ज कराया है। आपको बता दें कि इस नामांकन में सैकड़ों समर्थकों ने उन्हें समर्थन दिया है। उनका दावा है कि अगर वह चुनाव जीतती है तो वह अपने क्षेत्र में एक ऐसा विकास कराएंगी जिससे पूरे क्षेत्र की मिसाल लोगों के सामने आएंगी। वे अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और न जाने और कितनी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई तो जाती है लेकिन धरातल पर उतरती नहीं है, उन सभी को गरीबों की मदद के लिए धरातल पर उतारेंगी। साथ ही गरीबों को जो सरकार योजनाएं देती है उन्हें भी उन्हें प्रदान की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, तो देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार की बदली हवा इन दिनों परिवर्तन की बात कह रही है। दरअसल बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों के पास जनता के पास जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नगर निकाय चुनाव के मतदान दो चरणों में होंगे। प्रथम चरण के मतदान 10 अक्टूबर और दूसरे चरण के मतदान 20 अक्टूबर को है। प्रथम चरण के लिए प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो गई है। भागलपुर जिले के नगर पंचायत अकबर नगर से किरण देवी ने 14 सितंबर को सैकड़ों समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय सदर भागलपुर में अपना नामांकन अध्यक्ष पद के लिए दर्ज करवाया है। नामांकन दर्ज करवाने के बाद किरण देवी सैकड़ों समर्थकों के साथ आदर्श भारत टीवी के संवाददाता के साथ बातचीत की और कहा कि वे अपने क्षेत्र की बेहतर विकास के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाने आई है। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सड़क का निर्माण, बाढ़ से निजात दिलाने का कार्य करेंगी, अपने क्षेत्र में एक बेहतर विकास का कार्य करेंगी। आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों बिहार में नगर निकाय का जो चुनाव है उसकी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि नगर निकाय का जो चुनाव है वो दो चरण में बिहार में होने वाली है। पहला चरण का जो मतदान है वो 10 अक्टूबर को होगा और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 20 अक्टूबर को होने वाली है। प्रथम चरण का जो नामांकन प्रक्रिया है वो 10 सितंबर से शुरू हो गई है। आज मैं भागलपुर जिले के अकबर नगर पंचायत के किरण देवी है जो आज इन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवाया है, तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। किरण देवी जी आप अकबर नगर नगर पंचायत से अध्यक्ष दर्ज करवाए हैं, तो आप महिला होने के नाते आपको क्या लगा जो आप अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाए हैं? अगर इस क्षेत्र की जनता आपके ऊपर विश्वास करके आपको इस बार अकबर नगर नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाती है तो आपका प्राथमिकता क्या क्या रहेगा अपने क्षेत्र के लिए? किरण देवी के साथ सैकड़ों समर्थक पूरे जोश के साथ नारा लगा रहे थे। आपको बता दें कि किरण देवी एक लोकप्रिय महिला प्रत्याशी है जो अक्सर जनता के लिए हमेशा मदद को तैयार रहती है। किरण देवी का कहना है कि वह चाहती है कि उनके क्षेत्र में ऐसा विकास हो जो उदाहरण बनकर सामने आए और लोग इनके क्षेत्र की मिसाल दें। नामांकन में आए समर्थकों ने कहा कि हम लोग किरण देवी से उम्मीद जताते हैं कि किरण देवी नगर पंचायत अकबर नगर से अध्यक्ष पद पर बनकर अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और अपने क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करेंगी। इस मौके पर संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के भागलपुर प्रमंडलीय प्रभारी अभिषेक यादव एवं युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार यादव भी शामिल हुए। अभिषेक यादव ने कहा कि किरण देवी एक सशक्त महिला प्रत्याशी है। किरण देवी अपने क्षेत्र में हर योजनाओं को धरातल पर उतार कर हर बेसिक कार्यों को पूरा करेंगी और हमें उम्मीद है कि वे अपने क्षेत्र का एक बेहतरीन विकास करेंगी। यहाँ पे किरण देवी जी के साथ इनके काफी समर्थक भी हैं, आज हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव हुआ। जी, आप किरण देवी जी के समर्थक हैं? जी जी जी। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप अध्यक्ष अगर ये बनते हैं तो? जी, उम्मीद तो ये है कि जो महिला सुरक्षा के लिए जो मुझे मन हुआ खड़ा होने के लिए महिला के लिए और सुरक्षा हो, हॉस्पिटल हो, ग्राउंड हो, कॉलेज हो और जो बेसिक काम है
हर घर मतलब गली में पानी हो और रोड सड़क हो, यही सब। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे काम करेंगे सभी। अमित कुमार, अमित कुमार किरण देवी जी के साथ हैं आप समर्थक हैं। अमित कुमार, अमित कुमार किरण देवी जी के साथ हैं आप समर्थक हैं, इनके समर्थक हैं क्या? अगर ये आते हैं तो अभी देखिए महिलाओं के लिए रोजगार की कमी है, तो हो सकता है इनके लिए छोटा छोटा जैसे घर में कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे कटाई बुनाई ये सब काम पे जोड़ दिया जाएगा ताकि महिलाओं को अपना खुद का रोजगार मिले, ताकि वो कुछ करें। क्योंकि अभी तक गाँवों में ऐसा अधिकतर देखा जाता है कि वो अपने डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसलिए अगर हम लोग जीतते हैं तो हम सोचेंगे महिलाओं को आगे कर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनके अंदर खुद का साहस हो कि वो कुछ कर सके अपने से, उसके अंदर कुछ करने की हिम्मत बने। और यहाँ पे हमारे गांव में बहुत सड़क कमी है जिसे दूर किया जाएगा, जैसे कि रोड नाले का निर्माण कराया जाएगा और पुल का निर्माण कराया जाएगा। पुल की कमी है हमारे गाँव में, और हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, तो उनसे गाँव को बचाने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा कि किस तरह से काम किया जाए कि हर साल जो हम लोगों को बाढ़ से नुकसान झेलना पड़ता है उस पर काम किया जाए। और हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके लिए कि स्टेडियम तो है पर उस तरह से सुविधा नहीं है कि उनको लाभ मिल सके, तो हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे उस तरह से वहाँ पे कोशिश किया जाए कि उसका थोड़ा सा सौंदर्यीकरण किया जाए। और जैसे स्ट्रीट लाइटर लगाना हुआ, चौक चौराहे का नवीनीकरण करना हुआ, चौक चौराहे तो है बट उनका सफाई नहीं रहता है, तो सफाई पे हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा, स्वास्थ्य पे भी ध्यान रहेगा और सुरक्षा, खास करके महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि आजकल के समय में महिलाएं कभी भी अपने आप को सेफ फील नहीं करती है, जब भी वो अकेले रहती है वो अपने आप को सेफ फील नहीं करती है। तो हमारा मकसद रहेगा कि कभी भी महिलाएं अगर अकेली रहती है, कोई भी लड़कियां या भाई बहन कोई भी अकेले रहते हैं, तो उनको किस तरह से उनको एक तरह से सेफ्टी मिला जाए, उनको किसी तरह का भय नहीं है, किसी तरह का कोई भी। हम आपको बता दें कि अभिषेक यादव भी एक ऐसा नाम है जो क्षेत्र में काफी चर्चित है, यह अक्सर लोगों की मदद करते नजर आते हैं। साथ ही युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने किरण देवी को शुभकामनाएं दी है, साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने किरण देवी से उम्मीद की है कि किरण देवी हमेशा जनता का साथ देंगी, जनता के लिए कार्य करेंगी और अपने क्षेत्र का विकास करेंगी। क्षेत्र के जाने माने एक हस्ती जो काफी दिनों से लगातार समाज सेवी का काम कर रहे हैं, आज उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। विजय यादव जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आज आप किरण देवी के साथ आए हुए हैं और इनका एक तरह से समर्थक बन के आप यहाँ पे हैं, इनसे क्या उम्मीद रहेगा? सबसे पहले आप इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, इनसे उम्मीद रहेगा कि ये पहले शुभकामनाएं, कि ये पहले चुनाव जीते और इसके बाद जनता के लिए सेवा करें, और सब प्रतिनिधि का काम होता है जनता का सेवा करना, जनता के हर आवाज़ को इसको बनना है, क्योंकि जनता इसको जो चुन के भेजते हैं, जो कुर्सी बैठाते हैं, उसकी आवाज़ बनना है, ये आवाज़ बनकर उसके लिए काम करें, यही शुभकामना है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को संदेश ये देना चाहते हैं, जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो अच्छी मेहनत करें और मेहनत करके अपना चुनाव जीते, जीतने के बाद जो है जनता की सेवा में जो भी बनता है वो अपना पूरा योगदान 100% करेंगे। बता दें कि विजय कुमार युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और यह भी अपने क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, इसलिए किरण देवी के समर्थन में उतरे हैं। इनका कहना है कि जनता को बस ऊपर का विकास नहीं चाहिए, अब धरातल के विकास की भी जरूरत है। खैर, आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जनता उन्हें कितना समर्थन देती है। नगर पंचायत के मतदाता है ना, इनसे क्या उम्मीद आप रखे हुए हैं अगर ये चुनाव जीतते हैं तो? उम्मीद रखते हैं कि व्यवस्था को ठीक से चलाएंगे। अभी आपके क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं? समस्याएं तो बाढ़ का है जी, तो आपका उम्मीद रहेगा कि ये बाढ़ के ऊपर विशेष काम करें अगर चुनाव जीतते हैं? बांध वगैरह, तो आप देख रहे थे किरण देवी जी के काफ़ी सारे समर्थक हैं, उन्होंने इनसे काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं। और किरण देवी भी बताएं कि वो अगर चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको वो निपटारा करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पे विशेष काम करेगी। क्षेत्र से बाढ़ से भी ग्रसित रहता है, तो इनका फोकस बाढ़ के ऊपर भी रहेगा। मैं आदर्श वाला टीवी।